अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग पहुंच गए हैं दर्दबलपुर का हाईवे एंट्री में, तो जो कि अलंकार राजन कुंड क्लियर करके हम लोग निकल रहे थे। पिछले दो दिन से हम लोग लगातार स्कॉर्पियो गाड़ी ढूंढ रहे थे, बट रेट या फिर गाड़ी की कंडीशन हम लोगों को पसंद एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही आज हमने ढूंढा था फ़ोन पे, फेसबुक पे ऐड के थ्रू कि वहाँ पे बोलेरो और स्कॉर्पियो दोनों गाड़ी है। तो हम लोग हमारी ऑटो लेके निकल पड़े। ये आज का व्लॉग है। तो हम लोग ये फ्लाईओवर सब इतना अच्छा व्यू आ रहा था क्योंकि दौड़बलापुर एक गांव है जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा सिटी टाइप बना रहे वो लोग फ्लाईओवर डाल के सब। तो फाइनली जाते जाते हमने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था और मीनवाइल हम लोगों को व्यू भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ये व्यूज़ लेते 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 बस हो गए थे। तो दौड़बलापुर में पहले हम लोग स्कॉर्पियो देखने के लिए गए, जो कि मेलकोट्टे कुछ बोला था वो बंदे ने। तो मेलकोट्टे के पास जाते जाते हम लोगों को इतना देर टाइम लग गया था कि 3:30 बज रहे थे। तो मीनवाइल हम लोग क्या किए, इमली का झाड़ दिखा पेड़, तो हम लोग इमली तोड़ने में लग गए। तो लगभग 15 से 20 मिनट हमने यहाँ इमली तोड़ने में जुट गए थे, लेकिन बेचारे के हाथ से टूट ही नहीं पा रही थी। फिर ऐसे करते वैसे करते पत्थर मार के फिर इतना मोटा लकड़ी कुछ लेके आया बच्चा, तो वो भी टूटा हुआ ऐसा गिरा कि सिर्फ 2 या 3 पीसेस ही निकल रहे थे। इसके वजह से फिर हम लोग क्या किए, हम लोग और मैं अपना व्यू बनाने में लग गई कि इतना अच्छा है। तो ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद मैं देख रही थी ऐसा व्यू। तो फाइनली हम लोग ये बच्चे को भी हम लोग गिरे देखो। फिर यहाँ भैया इमली दिखा रहे थे, खा अच्छी है मीठी है करके बोल के। तो फिर मैं उनका भी वीडियो लेने लग गई। फिर भैया मैं वो इमली खाई, इतनी खट्टी मीठी हो रही थी, अभी भी मुँह में पानी छूट रहा है, बहुत अच्छा था। फिर हम ज़्यादा तोड़े नहीं, फिर हम गाड़ी लेके 20 मिनट के बाद निकल पड़े। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पेड़ का व्यू, पहाड़, जो कि आसमान भी इतना प्यारा दिख रहा था, आप देख ही रहे हो व्यू कितना अच्छा से लग रहा है। फिर हम लोग वो बंदे को कॉल किए, स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी वाले बंदे को, उसको पूछा कि लोकेशन किधर है। वो बोला डायरेक्ट लोकेशन के पास आ जाओ। तो हम क्या किए, हम आगे चलने के बदले हम लोगों ने राइट ले लिया। तो राइट लेते ही हम लोगों को खूबसूरत रोज़ेस के पौधे, फिर ग्रेप्स के और जंतर के, जंतर जो हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा पेड़ उगते थे, अभी आजकल कम देखने को मिलता है, बट माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये पेड़ भी देख के। तो फाइनली मुझे डर लगने लगा कि ये किधर हम लोग अंदर आ रहे जंगल के तरफ, क्योंकि अब पैसे लेके निकले हैं तो डर तो लगेगा मुझे। तो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल याद आ गया कि ऐसा हो जाता है ना, क्राइम्स इतने ज़्यादा रहते हैं। तो फिर ऐसे जाते जाते मीनवाइल हम लोगों को यहाँ पे एक ताता भी मिल गए, तो मैंने उनका भी वीडियो ले लिया था। तो वो ड्राइव करके जा रहे थे, तो फाइनली डेड एंड पहुँच गए। वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे कॉल किया, सर हम लोग डेड एंड पे पहुँच गए। तो वो बोला नहीं मैडम, आपको स्ट्रेट आना था, राइट नहीं लेना था। तो मैं हमारी सेफ्टी के लिए लोकेशन जो भी था वो दोबारा से भैया को बोल के लेने लग गई। देख लो कितना है सिटी, डर तो लगता है ना, कोई सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, ना घर ना काज कुछ नहीं है, तो डर लग रहा था। फाइनली रिलीफ हुआ देख के कि यहाँ पे दूसरे घर भी हैं। तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि चलो सिटी मीन्स ये घर थोड़ा कुछ है करके बोल के। तो हम लोग पहुँचे आगे, और सच मानिए वो बोलेरो गाड़ी इतना ख़राब कंडीशन में रखा है, और वो 1,35,000 2,003 मॉडल सेल कर रहा है, FC इंश्योरेंस कुछ नहीं है, और वो इतना घटिया था। फिर हम लोग वापस आ गए यहाँ पे,
और एक पार्टी के लिए वेट कर रहे थे। मीनवाइल भैया फालूदा लेके आ गए, उनको भूख लग रही थी तेज, तो मैंने मना कर दिया, मुझे भूख नहीं लगी है, आप खा लो। तो फाइनली स्कॉर्पियो भी देख लिया, वो भी इतना चला के रखा था, टूटी फूटी स्कॉर्पियो लेके आया और बोल रहा है 2 लाख प्राइस। तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, फिर हम लोगों ने गैस डलाई और हम फिर हमारी ऑटो लेके निकल आए वर्थुर वाइट फील्ड के पास, जो कि वहाँ पे एक बंदे ने, शफीक वाला नाम है उस बंदे का नाम, तो वो बोला मेरे पास गाड़ी है। तो माशाल्लाह मुझे फ़ोटोज़ में तो गाड़ी अच्छी लगी थी, बट फिर भी दुर्बलपुर जाना है करके बोल के चले गए। फिर वो वसवसाहट नहीं रहना है ना कि नहीं गए, इससे कम हो जाता, तो ऐसा सब आता है। इसलिए फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए, पैसे दे दिया और हम लोगों ने गाड़ी खरीद ली माशाल्लाह। तो हमारी ये नई गाड़ी है क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, 10 लोगों को बैठने के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो फाइनली 9 सीटर की गाड़ी मिल गई। तो यहाँ पे भैया उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए और पैसा दे रहे थे क्योंकि CC चेंज करना है, RTO का काम है, तो सब वो लोग बोले कि वो कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करके सबको मैं वीडियो कॉल करके दिखाने लग गई, गाड़ी देखो गाड़ी देखो। फिर वहाँ से रास्ते में आए, मुझे बहुत भूख लग चुकी थी, ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और रात के मैंने खाना नहीं खाया, तो वहाँ ही शादी यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ गए, दुल्हे की शादी कुछ वाला था, तो यहाँ पे ज़ीरा राइस, मैंने रोटी और चिकन बील भैया ने मंगाया था तो मैं रोटी खा ली और जामुन, क्योंकि क्या बोलते हैं गाड़ी लेने की खुशी में सब लोगों को, ये बच्चे लोगों को पार्टी दे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना खा लिए। तो हम लोग फिर निकले, तो निकलते ही मुझे याद आया कि बच्चों को हम लोग थोड़ा उन घर में भी स्वीट लेके जाते, तो हम लोगों ने वो भी जामुन भी ले लिया था। फिर हम लोग गाड़ी लेके निकले, मैं घर के पास में आते मैं बच्चों का एक्सप्रेशन और अम्मी का एक्सप्रेशन देखना चाहती थी गाड़ी देख के, बट गेट खुला था, मैं परेशान हो गई कि हॉर्न मारने से भी नहीं आए, तो मैं अंदर सीधा चले गई क्या हो गया है करके बोल के। तो बाहर से मुझे आवाज़ आ रहा था कि बच्चे चिल्ला रहे थे, फिर घर में कोई नहीं दिखा, तो मैं फिर भाग के बाहर आई, तो सब लोग मुझे ही प्रैंक कर दिए। तो ऐसे दरवाज़ा कोई खुला रखता है क्या, इतना टेंशन। फिर यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी के लिए मैं छोटा सा और एक का तोहफा लेके आई, जो कि उनको तुलसी का पेड़ बहुत पसंद है, बट ये घर में छिगर ही नहीं रहा था, तो फाइनली अम्मी के लिए और एक गिफ्ट सोच के मैं लेके आ गई। तो यहाँ अम्मी को भैया दूध पकड़ा दिए, फिर मैं ढूंढने में लग गई कि कहाँ है मेरे दोनों बच्चों, कहाँ किधर चले गए। तो मेरा शीनू इतना एक्साइटेड हो गया था गाड़ी देख के, माशाल्लाह इतना एक्साइटेड हो गया। फिर मैं बच्चों की तरफ गई, अम्मी पेड़ पौधा पेरने के लिए चले गए पॉट में डाल के उसको करने के लिए। फिर मैं बच्चों का यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, मैं इन लोगों को इतना देख रही थी कि ये लोग कुछ बोलेंगे, बट ये तो मुझे ही प्रैंक कर दिए थे, तो अच्छा लगा। चलो एट एंड ऑफ द डे हम लोग जो काम के लिए निकले थे वो सफलता हुई अल्लाह के करम से।